तुम ही घड़ी बजाओ फिर। हाँ चलो भाई, अब अच्छा लग रहा है शांत। इसे पूरा एक घंटा रखे तो चलेगा। ए बताइए क्या है, कौन सा लेंस, कौन सा लेंस? लेंस ये समझ लेते कोई पोल या कुछ भी है, ठीक है। ये क्या है इसका, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हो गया इसका। ये क्या इधर, फोकस सेंटर, चलो यार इनफिनाइट, ठीक है। वस्तु अगर इनफिनाइट, फोकस इनफिनाइट, फोकस इनफिनाइट, फोकस सेंटर, सेंटर नहीं, मजा आ रहा ना, आएगा मजा। देखना बोलेंगे लड़के, ठीक है। पहले वस्तु अगर इनफिनाइट, इनफिनाइट, दो घंटे अभी तक दबके बैठे थे क्या, बोलो यार। लड़कियां बोलेंगे इनफिनाइट सेंटर, फोकस सेंटर। क्या हो गया, लड़के बोलेंगे ठीक है, वस्तु सेंटर, वापिस से चलो सेंटर, ओए ठीक बोलेंगे लड़के, चले ध्यान से सुनो, सेंटर फोकस, अरे क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, ये सभी को समझ में आ गया था, आ गया था, आ गया था ना, ये समझ में आ गया था ना, उत्तर लेन समझ में आ गया था। बताएंगे देखना लड़कियां, ओ और लें, अभी लेंगे देखना, बताइए सभी लोग ये बताएंगे, अगर बस तू सेंटर से इनफिनाइट की तरफ जा रही तो कैसा बनना था, कैसा बनना था, अगर सेंटर पे है तो, सेंटर पे है तो, सेंटर के इधर, यानी कि इधर रहती तो वास्तविक और, हाँ हाँ वास्तविक और, एक कंडीशन में इधर भी तो वस्तु जा रही थी ना, देखो ये कंडीशन एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन चार पांच और ये छह, फिर इधर भी वही होगा, एक दो तीन चार और पांच, और लास्ट में एक कंडीशन एक ऊपर उठ के आ रही, अगर वस्तु इधर आ रही तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। इतने में किसी को दिक्कत है तो बताइए क्या क्या बोल रहे लड़कों में, है कहाँ पे है ये कैसे आ रहा ना। अरे देखो भाई, वस्तु जब फोकस से और पोल के बीच में ले जाओगे, वस्तु यानी कि देखो दर्पण में तो उधर फेंक दे रहा था, दर्पण में उस पार फेंक रहा, अब उसके औकात तक तो ले ही चलेंगे, इनफिनाइट तक तो ले गए, वस्तु इधर ही तो आएगी ना। आप समझ लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है, आपको इधर से टकरा के भेजा जाए, समझ लेते हैं, मेरे को ही भेज लो यार, तुम ना मत जाओ, इधर से टकरा के मैं वापस ही आ जाऊंगा ना, अगर कोई नरम चीज है तो तोड़ के निकल जाऊंगा। अब ये औकात तक तो उसकी ले गए इनफिनाइट तक, अब वो वापस ही आएगी ना, तो यानी कि आभासी और सीधा बन जाए। ओके इतना सभी को, लड़कों में अभी किसी को दिक्कत है, अब बोलेंगे लड़के, फर्स्ट इनफिनाइट, जानवर जैसा इनफिनाइट, देखो कारण है कि बुलेट गाड़ी जानते ना, जब तक थोड़ा चलती नहीं है तब तक वो मारती है, और ये देखो लड़कियां स्कूटी एकदम से खींचती फूट जाती हो, अब थोड़ा थोड़ा अब आ रहे हैं, चलिए बोलिए सभी लोग इनफिनाइट, आप लड़कियां फर्स्ट आएंगे।
इनफिनाइट सेंटर फोकस सेंटर। पेट्रोल डरा के लाए हैं आज। चलो बोला चले बताइए वस्तु सेंटर 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 सेंटर। किसकी आवाज ज्यादा आ रही है आपके हिसाब से? लड़कियां बताएंगी तुम्हारी। चलिए सेंटर फोकस अपनी भी सारी अवकाश से तो ज्यादा बोल रही है और क्या करेंगे। लड़कों इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती ना बताया था ना इसलिए कारण मधुर आवाज आती। अपना एकदम बांस जैसा फटा हुआ गला। अपनी नली क्या है एकदम ऐसा इनकी ऐसी अपना ऐसा अपनी आवाज एकदम बांस जैसा हो एकदम पटेबाज जैसी निकल रही है ना मतलब कड़क आवाज। लड़कों की ठीक है अच्छी लगती नहीं लड़की जैसा होती ई। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। उत्तल लेंस में किसी को दिक्कत बताएंगे सेंटर के अगर इनफिनाइट की दर्जा रही तो वस्तु कैसी बनेगी? वस्तु सेंटर से फोकस सेंटर से फोकस सेंटर पे सेंटर पर अगर यानी कि ये कौन सी साइड है अगर इधर वस्तु आए। ठीक है इतना समझ में आ गया सभी को। एक चीज बताएंगे क्या हुआ अब बताइए इसकी यानी कि ध्यान से देखिए अभी इसके आज न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी कैसी होती है? और यू तो हमेशा सभी का माइनस होता है इतना सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए यू कैसा होता है हमेशा माइनस हर चीज का वजह यानी कि दूरी वस्तु की माइनस ही होती है। यू कैसा होता है यू कैसा माइनस। अभी देख लो ये कौन सा लेंस है कौन सा लेंस है उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की अरे अवतल लेंस अभी कहाँ यू हमेशा कैसा रहता है। चलो अवतल लेंस दिखाते क्या है अवतल लेंस बने या नहीं अवतल लेंस पहली बार बन गया है। ये कौन सा लेंस है एकदम से ऐसा साइड से दबा दिया गया एकदम ऐसा पकड़ो और ऐसा मार दो एकदम एकदम दब जाएगा। हाँ कौन सा लेंस है ये कौन सा लेंस देखो इसका भी सेंटर और फोकस होगा ध्यान से देखो इसका भी सेंटर और फोकस होगा ये समझ लेते क्या है सेंटर है ये हो गई इसकी फोकस इधर समझ लेते ये फोकस है ये सेंटर है वही है दोनों में खींच देते हैं ये क्या है ये फोकस सेंटर। ठीक है इन्फिनाइट ले लो इधर लो इन्फिनाइट इसमें ज्यादा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा लो इन्हें इन्फिनाइट की जरूरत नहीं थी। आप लोग अवतल दर्पण में देखो ध्यान से देखेंगे अवतल दर्पण ये था आपका अवतल दर्पण ये था ना इसकी जो किरणें आती है ना वो यानी कि सिकुड़ लेती है कैसी हो जाती है किरणें एकदम चिपक जाती है यानी कि किरणें आके एकदम पास में हो जाती है। अवतल लेंस की किरणें कैसी हो जाती है आके पास में अवतल लेंस की किरणें कैसी हो जाती है अवतल लेंस की किरणें जो यानी कि आपका उत्तल लेंस से ये किरणें इससे दूर भागती हैं इसको पसंद नहीं करती है किरणें कैसी भागती हैं किरणें कैसी भागती हैं किरणें कैसी भागती हैं तो इसका प्रतिबिंब का भी बने आप बताओ या तुम लोग बताओ ये जो किरणें अगर दूर भाग रही हैं कभी मिलेंगी नहीं। मिलेंगी क्या कभी नहीं। नहीं। अगर मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं अगर किरणें मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब समझ लो आप लोग अगर कोई चीज नहीं मिली तो कुछ होने वाला है क्या होने वाला है क्या एक किरणें नहीं मिली प्रतिबिंब कहां से सोच के आगे बन जाएगा प्रतिबिंब बनेगा क्या इसमें नहीं बनेगा। तो हम समझ लेते हैं कि यानी कि आभासी यानी कि काल्पनिक ले लेते इसकी ये किरण चली गई और ये किरण चली गई समझ रहे ये किरण ले ली और ये किरण ले ली जो इसकी फोकस दूरी आएगी वो कैसी हो जाती है निगेटिव। फोकस दूरी कैसी हो जाती है फोकस दूरी फोकस दूरी और यू आपको हमेशा पता रहता कैसा बनता है यू हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी
अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अरे अवतल लेंस की किरणें आपस में कभी मिलती हैं क्या? नहीं मिलते, इसी के कारण ये यानी कि जो आपकी फोकस दूरी है वो माइनस हो जाती है। किसके कारण? इसके कारण। फोकस दूरी आ रहा सभी को समझ में? अवतल लेंस की किरणें आपस में मिलेंगी? मिलती हैं? मिलाएंगे जबरदस्ती काल्पनिक करके उनको मिलाएंगे। मिलाएंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब बताओ अगर, अरे कहां से उदाहरण दे यार, अब एकदम मूतन देख रहे हो। अब एक कीड़े अगर कोई चीज यार समझ लो एक्सीडेंट होना है, दो गाड़ियां आपस में नहीं मिलेंगी, कहां से हो जाएगा? या तो फिर ऐसा दीवार में चढ़ा दो लड़के जैसा उड़ा लो ऐसा, एक टायर पे चलने दो, नाले में घुसेड़ दो, नहीं तो किसी को उड़ा दो और बोलो बदतमीज कहेंगे बीच रोड पे खड़ा है। आ रहा सभी को? उनसे अगर तुम्हारे ऊपर गाड़ी चल जाए, कुछ भी टूट जाए, पैर छू लेना उनके वापस से, नहीं तो जाओगे लंबे से। ठीक है, समझ में आ रहा? ये आ रहा अवतल लेंस के यानी कि आपस में किरणें मिलेंगी क्या? अवतल लेंस की किरणें मिलेंगी क्या? अवतल लेंस में है नहीं कुछ, उत्तल का देखो, उसमें उत्तल बेचारा सीधा था, उसमें अवतल खचरा, इसमें अवतल बेचारा सीधा है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? तो इसका फार्मूला सभी लोग पहले दर्पण का फार्मूला बोलेंगे, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू। ठीक है, देखो एक बटे वी प्लस एक बटे यू। अब ध्यान से देखें, अगर तीन प्लस पांच करेंगे तो कितना आएगा? आठ आएगा। ठीक है, अगर पांच प्लस तीन करें तो कितना आएगा? आठ। प्लस में कोई दिक्कत है क्या? अगर इसको एक बटे यब बराबर हम लिखना चाहें, एक बटे यू प्लस एक बटे वी सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तीन प्लस पांच लिखो या पांच प्लस तीन लिखो, इसमें किसी को दिक्कत है? ये कौन सा फार्मूला है? ये किसका है? ये किसका फार्मूला है? दर्पण का। अब लेंस का देखेंगे, एक बटे यब बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। अब इसमें वो खचरे ही नहीं कर देना। अब आप समझ लो कि पांच माइनस तीन माइनस पांच है और पांच माइनस तीन है, इसका आंसर कितना आएगा? माइनस। इसका प्लस दो आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब तुम ना अवतल दर्पण में तो कोई भी चल जाएगा, या तो एक बटे यू लिख लो प्लस एक बटे वी लिख लो, ठीक है, या तो एक बटे वी प्लस एक बटे लिख लो, दर्पण में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेंस में अगर तुमने सोचा कि चलो एक बटे यू इधर लेके आते हैं, यू आगे लाओगे तो फिर ये माइनस का एक बटे यू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्लस का एक बटे वी। ऐसा करना नहीं है, फिर माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इसको फार्मूला बस इतना याद रखना है। फार्मूला बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ये वाला होगा कि ऊपर वाला? कौन सा फार्मूला? कौन सा? एक बटे अब बराबर, बोले सभी लोग लड़के बोलेंगे, एक बटे अब बराबर एक बटे अब बराबर एक बटे अब बराबर एक बटे वी माइनस। अब सभी यानी कि अपने को पता है अवतल, अगर अपने को देगा ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी आप अपने हिसाब से निकाल लोगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस उत्तल की, और यू हमेशा कैसा रहता है? भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे क्वेश्चन में। आ गया समझ में? आ गया सभी को? आ गया? एक बटे अब बराबर तेजी से एक बटे वी माइनस। एकदम ऐसे आज चले आए हैं, हम तो सो के आए हैं, नहा लिया मगर नहाते जरूर है, नहीं तो एकदम ऐसा। हम एक अपने मतलब रात में 9 बजे कोचिंग पढ़ते थे एक सर से, मतलब होम क्वेश्चन, तो घर पे आते थे हम, तो ऐसे थे इंग्लिश पढ़ाते थे, कुछ भी लिखते रहते थे, कोई मतलब समझाते ऐसा, बेटा कहाँ कौन सा क्वेश्चन है ये, एकदम भूल जाते थे पूरा। 9 बजे रात का गांव का मामला, काम ज्यादा पड़ता है, एकदम से उनको 3-4 घंटे जगाना पड़ा, सर बताइए क्वेश्चन क्या है। एक बटे अब बराबर एक बटे अब बराबर एक बटे अब बराबर लड़कियां सर पढ़ने लगी हो तुम लोग, क्या सीरियस ले लिया ना तुम लोगों ने? चारी ने सीरियस ले लिया, सीरियस मत लिया करो, ऐसे ही रहो जैसे हो। चले अरे हमको भी बताओ, हम भी हंस ले।
देखो बताया भाई सबको जाया करे कि ये भी बेचारे ऐसे मौन धारण करके बैठे हैं, हंस लिए है कि नहीं, नहीं तो पढ़ने आए तो एकदम ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल, यू कैसा रहता है दिखाया जाए मिरेकल, चलिए मिरेकल कराया जाता है। होटल चेक करना है, दोनों के पढ़ा क्या रहे, लेंस पढ़ा रहे हैं। देखो मैंने पहले ही बताया करने का तरीका, पहला आप वो बनाओगे लेंस, फिर उसके हिसाब से करते चलेंगे ठीक है। एक क्वेश्चन बताओगे सभी लोग, हाँ चलिए बताइए, देखते किसको आता। एक मोटर, लड़कियां शिव आंसर देंगी इसका, लड़के भी देंगे। एक मोटर 1200 केजी जल को, एक मोटर 1200 केजी जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में, 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगता है, 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगता है, तो मशीन की शक्ति बताइए, मशीन का पावर, तो मशीन की शक्ति बताइए। देखते किसको आता, जिसको क्वेश्चन आ गया बा हम बताएंगे नहीं ये क्या है। बारह हजार कौन है 12000, ये तेरा 12000 आएगा आंसर, कौन सा फार्मूला लगाया, तुम लड़के बताएंगे सारे। बारह हजार इधर आओ, कहाँ से 12000 आ रहा, कौन सा फार्मूला लगाया, हमने टी को वो सेकेंड में नहीं बना, भी 10 मिनट के लिए घूम रहे हो, कितना आएगा, बाकी लोग ऐसा देख रहे, देख लो सफेद बनियान में हो। बारह हजार राइट है, 10 मिनट को सेकंड में हम बनाने आए हैं, फिर गुड़ा उसमें 10 × 60 काट दे 12, 6 × 12 200 वाट आ जाएगा, कितना आएगा, तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। अरे 600 कहाँ से, 1200 क्या दिखो, एक हम बता रहे ना, बराबर करो देखो, W बराबर W, हाँ पहले ही फार्मूला खोल डाला, 200 1200 लिखो क्या है, 1200 जल में 10 मीटर ऊंचाई, ऊपर गुणा करो 10 का, डायरेक्ट काट डाल ले 1200, फार्मूला खोलो ना, P बराबर W अपॉन T होता है, फिर हाँ W का खोलो कि W बराबर mg होता है, mg अपॉन में T, देखो एम मास कितना दिया 1200 के जी, जी का मान कितना होता है 10 रख लेते हैं, एच का ऊंचाई दी है 10, अपॉन में टी है 10 मिनट, 10 × 60 आ जाएगा आंसर। कितने लोगों का 200 आ गया, 200 लड़कों में नहीं आया तुम्हारा, क्यों थे नहीं गए इस चैप्टर में, कार में नहीं थे, लिखो अच्छा फार्मूला, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन पी 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 पावर W अपॉन टी, डब्ल्यू W अपॉन टी तो है ना, W एम जी एच अपॉन में टी, ठीक है M कितना दिया 1200, कितना G का मान कितना होता है 10, ऊंचाई कितनी दी अपने को 10 मीटर ठीक है, अपॉन में टाइम अपने को कितना था 10 मिनट लगा था, मिनट को अगर सेकंड में बनाएंगे 60 से गुणा हो जाएगा, 1 10 से 1 10 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 6 × 6 = 12 200 वाट कितना आ जाएगा, 200 पढ़ाएंगे तब आ जाएगा ठीक है। चलो भाई आ गया सभी का 200 वाट, और किसी का नहीं आया, और किसका आंसर नहीं आया, पीछे
200 वाट आ गया आसिफ, 200 वाट आ गया, हाँ 200, ठीक है 200 ही आ गया, बहुत बढ़िया। किसके न्यूमेरिकल कर रहा है, न्यूमेरिकल नहीं मिल रहे यार। एक क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, एक क्वेश्चन और बोले, हाँ इसी का लिखे एक क्वेश्चन और, क्या था बोला था, एक मोटर, चलिए एक मोटर 1000 kg एक मोटर 1000 kg जल को ऊपर लाने में, जल को ऊपर लाने में 20 मिनट लेती है, चलो क्वेश्चन का डोर क्या बोला है, एक मोटर 1000 kg जल को 20 मीटर ऊपर लाने में 10 मिनट लेती है, तो उसकी शक्ति बताइए। हाँ सॉरी अभी मिनट दिए ही नहीं है उसमें क्वेश्चन में, देखो 20 मिनट बोला ना, हाँ अरे क्वेश्चन तो पूरा करने दो भाई, देखो क्या बोला, एक मोटर 1000 kg जल को लाने में, जल को 20 मीटर ऊपर लाने में 10 मिनट लेती है, अरे अब लिख लो 20 मीटर ऊपर लाने में, 20 मीटर ऊपर लाने में, अरे 20 अभी जब ऊपर आएगा नहीं तो कहां से लगाओगे फार्मूला, 20 मीटर ऊपर लाने में 10 मिनट लेती है, तो शक्ति बताइए। क्वेश्चन मन से बोल रहे थे, कहां दिमाग चला है, एक लिखो, एक मशीन 1000 kg जल को ऊपर लाने में, जल को यानी कि 20 मीटर ऊपर ले जाने में, लिखो उधर से, देखो एक मशीन 1000 kg लिख दूं क्या, लिखे क्वेश्चन, मोबाइल में दिमाग को क्वेश्चन न्यूमेरिकल ढूंढ ले, न्यूमेरिकल नहीं मिले, चलो लिखो क्वेश्चन, एक मशीन, हाँ एक मोटर लिख लो, एक मोटर 1000 kg जल को ऊपर लाने में 20 मीटर, 20 मीटर जल को ऊपर ले जाने में, 20 मीटर जल को ऊपर ले जाने में 10 मिनट लगता है, तो उसकी शक्ति बताइए क्या होगी, 333.3 तुम्हारा कैसे 12000 आ गया, 33.33 और किसी का, एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, आ गया इसका सभी का आंसर, क्वेश्चन लिखिए, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो उसकी क्षमता बताइए कितनी होगी, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो उसकी क्षमता बताइए क्या होगी, ये पढ़ाया भाई, ये आना चाहिए सभी का आंसर, 10 मीटर है, फोकस दूरी 10 मीटर है, तो क्षमता बताइए क्या होगी, कितना आया, 10 आ गया, किसका 10 आया बताए पहले, 10 वाला 10 आएगा, फोकस दूरी क्षमता वाला फार्मूला क्या था, 1/1/1 तो फोकस दूरी कितनी थी, 1/10 दिया ना, तो 0.10 नहीं आएगा, 0.1 ही बोला है, 10 बोला तुम लोगों ने,
अरे पीछे का पूरा गुल कर डाला तुम लोगों ने तो यार, कितना आएगा? 0.0। अब क्षमता का हम बार बार फॉर्मूला नहीं बताए। अगला क्वेश्चन लिखिए, दो जिससे सिखा रहे थे वही बता रहे हैं। लेंस का लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ना पहले। हाँ सभी लोग बना के, इसको मिस्टेक नहीं हो चाहिए। चलिए लिखिए, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, एक उत्तल लेंस के सामने, लेंस देख लेना पहले कौन है, एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा? क्या बोला था? जो बोला वही लिख लो। तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा ना? लेंस से। अरे इतना हिंदी पे क्यों ध्यान दिया करते हैं? एकदम क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन कहाँ पे है? बस लेंस पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आंसर बताइए। नहीं जम रहा? अरे पूरा तो बता डाला है। उसमें लेंस है, यानी कि कौन सा है? उत्तल लेंस है। अब देखो उत्तल लेंस के हिसाब से एडजस्ट कर लो। अच्छा ये लगाएं क्या? हेलो पीछे लगा दूं? देख लो वो भी कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होते। ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। ये कौन सा? इसकी फोकस दूरी प्लस होती है। पानी नहीं, तीन तीन कौन है? तुम हो तीन। चार क्या? 4 12 है ना, हो सकता है 3। बता रहे हम, बताएंगे भाई। नहीं आ रहा ना? अरे हम क्या, एक कॉपी दो एक लोग। चले कॉपी दीजिए एक लोग जिसका अच्छा लिखो। 3/12। अब काट नहीं सकते 3/12 को। हाँ ऐसे सजा के लिखो। 4/1/4 ऊपर कर लो ना, 4 सीधा बोलो। 1/V तो इधर रहा होगा ना, ऊपर करो उसको। देखिए ध्यान से सभी लोग, 4 सेंटीमीटर ध्यान से सभी लोग अब क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सभी लोग इधर निकाल। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने, कितने कौन सा लेंस है? ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल, अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल। रट डालो यार। और देखो फोकस दूरी अपने आप दे रहा सब क्वेश्चन में। फोकस दूरी यानी कि कितनी है? 4। प्लस की 4 लिख लो या 4 लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है? उसके बाद देखो, 12 सेंटीमीटर दूरी एक वस्तु पर रखी जाती है। दूरी कितनी है? यू यू हमेशा कैसा रहता है? यू कैसा हमेशा रहता है? -12। अब क्या था? आप कुछ भी पूछे, आंख मिच के लगा दो, वी पूछा होगा। प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर आनेगा? फार्मूला सभी लोग बोलेंगे, 1/f = 1/f = 1/v - 1/u। लिखना सभी को, जम रहा है कि नहीं जम रहा है? देखो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, या तो उत्तल देगा या तो अवतल देगा। उत्तल दे तो फोकस दूरी उसकी कैसी होती है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। रट डालो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल की, उत्तल, 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 अवतल, अवतल, फोकस दूरी। हाँ माइनस फोकस दूरी होती है, नहीं तो कुछ भी ले। और वी यू हमेशा कैसा रहता है? यू हमेशा दो। अब ये वी का बाढ़ में जाएगी, अब निकालने के बाद दे दिल। देखो 1/f यानी कि f कितना है? ये अपना 4 रख लेंगे। f कितना है? 4 बराबर में 1/v - ये कितना हो जाएगा?
एक बटे यू देखो, एक बटे यू, यू की जगह कितना रखेंगे, यू की जगह माइनस बारह, यू की जगह कितना रख दिया माइनस बारह, इतना आ रहा सभी को, आ रहा हाँ। एक बटे चार ठीक है बराबर में, एक बटे वी माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के एक बटे बारह हो जाएगा ठीक है। ऊपर ले लेते इसको, जाओ थोड़ा सा चले जाओ ठीक है। अब देखो इसको वी को इधर ही रहने देते, एक बटे यानी कि बारह को इधर ले आते, एक बटे चार माइनस का, अरे देखो ये प्लस का इधर आएगा माइनस, प्लस का इधर आएगा माइनस, माइनस का एक बटे बारह, बराबर में क्या हो जाएगा एक बटे, दिख रहा ना तुम लोगों को ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम लासा कितना आ जाएगा, लासा बारह, अब लासा नहीं लेना है तो मत लो, दूसरा बता देते, लासा मत लिया करो ठीक है। देखो इधर बारह है, बारह है इधर, इधर अगर तीन से गुणा कर दे बारह हो जाएगा, ये ऊपर तीन से गुणा कर लेते खत्म काम। अब तीन एकन देखो, तीन ये तीन एकन तीन हो जाएगा, माइनस का वन रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बारह लिख देते ठीक है, बराबर में एक बटे ठीक है। तीन से अगर एक माइनस करेंगे, तीन से माइनस गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं, हो गया क्या हाँ गड़बड़ हो गया कहाँ पे हाँ आंसर गड़बड़ कहाँ पे हुआ, जो गड़बड़ देखो प्लस का तो इधर तो आके माइनस ही होगा ना हाँ बराबर है तो गलत कौन बोल सकता है। देखो इधर तीन से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, दो बटे बराबर में एक बटे, एक बटे बी इधर लो, दो एकन दो छके बारह बराबर में, देखो इधर एक बटे छ बराबर में एक बटे बी। अब ऐसा रखना चाहो ऐसा नहीं रखेंगे, एकदम से दबा के मारो, एकदम पलट दो, एकदम वी बराबर इसको वी को पलटा और ये एकदम छ को पलट दे। अगर ये भी नहीं करना, देखो पलटना नहीं तो आपको क्या करेंगे, वी एकन वी एकन छ एकन वी एकन छ एकन आ गया सभी को, किसी को दिक्कत, पहला न्यूमेरिकल। अरे इसमें न्यूमेरिकल में दम लग रहा है क्या, कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल करा दिए, ये क्या न्यूमेरिकल है इसके आगे, आ रहा आपको, आपको नहीं आएगा लेट आई हो, पता चलता हमको, टाइम पे आओ भाई टाइम पे, थोड़ा मैनेज कर लो, इसका कुछ भी पार्ट निकल गया समझ में नहीं आने वाला, अगले चैप्टर से समझ में आता है, आवर्धन लेके उसके बाद समझ में आएगा। बाकी लोगों को एकदम कि देवदास एकदम बने हो, आ रहा है ना, आना चाहिए यार, आ रहा ना, आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा क्या, नहीं मज रहा इसमें, अरे बड़ा अब चाहो तो मैं तुमको उधर ही खत्म कर देता, बामे को पता बारह इधर आता प्लस के तीन खत्म कर दे, छह आंसर आ गया, समझा रहे। अगर आप लोग मजाक नहीं प्रैक्टिस कर लोगे ना, पहली लाइन पे आंसर मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस पहली लाइन पे आंसर मिल जाएगा, बारह उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, यानी कि ये माइनस और इधर जाके माइनस है, उनका एलसीएम लेंगे, तीन से दो माइनस करो, दो बटे छह दो बटे बारह इससे कट कर दो, बटे छह आ गया, प्रैक्टिस नहीं है इसका मतलब, प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है ना, कुछ भी करा सकती है, इसकी प्रैक्टिस करो हाँ हाँ, नहीं तो तुम सोच रहे हो और कोई प्रैक्टिस चालू कर ले और कोई लाभ नहीं है, इससे लाभ है यार, तो इससे लाभ है कि नहीं है, इससे लाभ है मगर ये अच्छी नहीं लगती करने में, अच्छा लगता है क्या, ये बहुत अच्छा लगता है यार, कितना तो अच्छा है, एकदम दो से छह काटो छह सबसे ज्यादा दिमाग घूमता है सरलीकरण करने में, एकदम से कहीं से कुछ लेके आ जाते हैं, अच्छा सब आ गया ये समझ में। अगला क्वेश्चन बोले, लड़कियों में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, किसी को सबको कसम है, है क्या, अब मेरे को ओ भाई चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ही बार बार खो जाते, पता नहीं कहाँ चले जा रहे यार। हाँ एक लिखिए क्वेश्चन,
बोले पहला वाला क्वेश्चन दिखाओ किधर, दिखाओ कैसा बोला था वो। पहला वाला क्वेश्चन किधर लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन दिखाइए। 4 सेंटीमीटर, कौन सा पहला क्वेश्चन बोला? नहीं पहला ये नहीं, अभी जो बोला है बाद में लिख लें। लिखे क्वेश्चन अगला, बताना सभी को। आठ सेंटीमीटर निकालना, कल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, दूरी वाली है, फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने, एक उत्तल लेंस के सामने, एक उत्तल लेंस के सामने बार आपने दिखाया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वस्तु रखी जाती है, 24 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितने मीटर दूरी पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितने मीटर दूरी पे बनेगा? ईमानदारी से बता, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एकदम, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या सभी लेंस फेंस उत्तल अवतल, अब जिसको आ रहा है उसको अच्छा लगता होगा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या करेंगे। आठ आया, कितना है आंसर? 12। देखो क्या तुम गलती कर रहे भाई, क्या गड़बड़ कर रहे। ओ आठ, पता नहीं यार संख्या चेंज की ऐसी, पूरा वही रखना, इधर 8 रख लो, इधर कितना 24 था, उधर माइनस कर, 12 कैसे आ रहा है तुम्हारा? 12, तुम्हारा दोनों का 8 है, 12, 12 कितने वाले हैं? 24 चलो अभी कर लेंगे भाई, देख लेंगे, 8 ही है, 8 ही है ना, तो 8 ही है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना, कल से आएगा आपको, आ रहा है? अभी 12 है, सही है, 12 है, 12 वाले भुसावल से चलकर कानपुर सेंट्रल को जाने वाली पैसेंजर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है 12 बजे वाली। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, आ गया ना, बताओ बताएं क्या? हाँ अगला क्वेश्चन लिख लेते, क्यों टाइम, हाँ 12 करेक्ट है। लिखे अगर किसी उत्तल लेंस से, लिखे अगर किसी उत्तल लेंस, अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी बताना क्या होगी? ये जिसका पहले आंसर आएगा वो 100 रुपये की पार्टी देगा, देगा यार, तुम भी यार, लड़कियों में आएगा आंसर पहले, लड़के बताएंगे नहीं, बता फिर बता, नई पार्टी लेंगे, बता। चलिए आंसर आया सभी का, अरे हम कहीं नहीं जा रहे,
इधर ही रुकने वाले हैं। आया आप क्वेश्चन समझ रहा ना, क्वेश्चन समझना चालू हो जाए। इसमें कैसा यार, इसमें पीला पीला दिखते हैं हम, बताएं क्या, बताएं क्या बात करें आए। अरे ये पूरा जयमाल सिस्टम डाल के घूमे, इसका क्या करेंगे, वरमाला है ये, ये क्या है देखो, इससे शादी हो चुकी है अपनी, एकदम पूरा डाल के घूमे, कहाँ तक आएंगे यार। हाँ माइनस वन बटे बीस, पलट दो यार, माइनस के बीस कर लो, पलट डालो उसको, बीस आया, बीस आया, चलो देखो बताएं इसको, बताएं नहीं, नहीं वाले हाथ उठाएं, मतलब जिनको नहीं बताना है आंखी मीच लो अपनी अपनी, कुछ नहीं, बीस आ गया ना सभी का माइनस। अगला क्वेश्चन अवतल पे बोले, ये दिमाग खराब कर रहे ना यार पीछे वाले, तुमको चलो देख लो धीरे, बोले प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हम नहीं बताएंगे, पीला लाओ क्वेश्चन बता ही देते, ये तुम कैसा एक ऐसा, अगर किसी होते इनकी फोकस, चलो देखिए क्वेश्चन, अगर देखो बस, अब जिसको नहीं समझा समझ लो, जिसको ज्यादा समझ गया और माइंड में डाल लो। अगर देखो ध्यान से क्वेश्चन, अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु लिखी रखी है तथा 20 सेंटीमीटर, फोकस तो लिख देती है, इधर फोकस तो लिख लेते भाई, देखो ध्यान से सब समझ जाता है, अक्षर तो अक्षर है सब समझ लेंगे। देखिए ध्यान से, लेंस कौन सा है, लेंस, लेंस कौन सा है, आप बढ़िया लग रहा, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दी हुई है, फोकस दूरी 20, फोकस दूरी कितनी दी है, और उसमें यानी कि यू कितना दिया अपना, यू कितना दिया है, माइनस 10, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस, अभी सभी को फार्मूला याद ही हो गया होगा, नहीं याद है क्या किसी को, ठीक है। फोकस दूरी की जगह कितना रखेंगे, 20 बराबर में एक बटे वी माइनस एक बटे माइनस का 10, ठीक है, एक बटे 20। अब देखो स्टेप इधर बढ़ा रहे कि नहीं, अब ये इधर माइनस का था अपने को पता हो जाता है, प्लस हो जाता है, स्टेप बढ़ा रहे हैं, खा में खा, देखो एक बटे वी बराबर में लिख लेते, एक बटे वी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक बटे 10। अब देखो ये 10 है, ये प्लस का 10 है कि नहीं है, अब इसको वी को अकेले छोड़ना पड़ेगा, बेचारे को छोड़ देते, ये कैसा है, इधर आएगा तो एक बटे 20 माइनस का एक बटे 10 बराबर में क्या हो जाएगा, एक बटे 20। इसको ऊपर ले लेते थोड़ा, अब अच्छा लग रहा देखने में, कलर चेंज करे नहीं चेंज करेंगे, लड़कों की बात माने, देखो एलसीएम 20 लें या उसमें दो का गुणा करा दे, कैसा करना है तुम बताओ, मारे गुणा कराए, देखो अगर इसमें दो का गुणा करा देंगे और ऊपर भी दो का गुणा कराना पड़ेगा, अब ये बराबर हो गया, बराबर हो गया, माइनस का एक बटे 20 और माइनस का यानी कि दो हो गया, दो बटे कितना हो जाएगा, दो बटे 20। अब बताइए माइनस के दो से एक घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का वन बटे कितना हो गया, 20 बराबर, अलग भी छोड़ दी, अरे यार इसको मत छोड़ो, यही तो काम की चल रही, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलट दो, ये भी यानी कि v बराबर, या तो v एक n v कर लो, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 20, ठीक है, आ रहा सभी को, अब किसी को दिक्कत है,
हो तो बताओ, दिक्कत हो तो दिक्कत ही रहेगी, है नहीं क्या? आ गया बस, नहीं ठेला से चलेंगे आज, बस महंगी पड़ जाती है क्या हुआ? तुम्हारा यही कहना होगा वी एकन भी करो इधर, उसको करो, हाँ लेके जाएंगे वी को उधर, पशांतर कर लेंगे माइनस का, क्या करना है? हाँ समझ रहे थे भावनाओं से, सब समझ जाते हैं कहाँ, अरे सब नहीं समझते हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं समझते अभी। आ रहा सभी को? 11 बज गए। एक अवतार लेंस का क्वेश्चन लिख लो, वो करके लाना। अरे अवतार लेंस का, अवतार लेंस का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली वाली समय यार क्वेश्चन लिखे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक पापा की परी। ओए ये नहीं लिखना है, ओए ये नहीं लिखना, क्या भूल गया गलती से यार, कहाँ तक थे? एक कहाँ थे क्वेश्चन? एक अवतल लेंस के सामने, एक अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्वेश्चन लिख लो, अवतल लेंस का है। कॉपी नहीं बना रहे तुम, कहाँ पर हो? के सामने 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। वापिस से देखो सभी लोग, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, रखी जाती है। अच्छा ही सांग रहे हैं, एक बटा, हाँ अच्छा ही अच्छा सांग रहे, बोलो क्वेश्चन लिखे सभी लोग, दिमाग खराब हो रहा है, ध्यान से देखिए वापिस से शुरुआत से बोले क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, इतना हो गया सभी का? आगे बोले तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? अब देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, लिखाया ना उत्तल की प्लस लगा रहे ना, देखो उत्तल का प्लस। देखो अगला क्वेश्चन, देखो उत्तल ही था ना ये, करके बताएं क्वेश्चन लड़कों में, करके बताएं, जो तुम बोलोगे वही करेंगे। आंसर पता नहीं है, आंसर पता नहीं है, हमारा तो 10 आएगा, 10 शायद इसका, यानी कि कितना बोला है 30, हाँ 10 करेक्ट आंसर है इसका, नहीं निकाल के दिखाएं, निकाल देंगे लो, कौन सा लेंस है ध्यान से देखिए, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस बनाएगा इधर, देखो लेंस कौन सा था? अवतल लेंस कौन सा है? अरे देख लो हमको भी देख लो, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, बोलिए फोकस दूरी इसकी कितनी है? फोकस दूरी कितनी है? माइनस की 15 हो जाएगी, ठीक है माइनस की 15 हो गई, और उसके बाद यानी कि वी दिया होगा, वी कितना दिया अपना, वी हमेशा कैसा रहता है? माइनस का। आ गया था सब, हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, 1/f एक बटे वी माइनस 1/u, ठीक है 1/f कितना दिया है? माइनस 15, बराबर में कर लेंगे 1/v, ठीक है ये अब डायरेक्ट रख दूं, देखो ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस का रख लेते कितना 1/30, अब ये फिर इधर जाएगा माइनस का 1/15 बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/30 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा खानदान माइनस चल रहा है इसमें यार,
एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम लेके बताओ कि गुणा कर दूं दो का? एलसीएम ले लेते लो, तुम्हारी मर्जी। देखो 30 का 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, 15 दूनी कितना होता है? 20। दो का ऊपर गुणा करा लेंगे, माइनस का 2, 30 एकन 1 का ऊपर गुणा करा लेंगे, माइनस का 1, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 बटे भी कौन 30 बोल रहा है, ठीक है। ये देखो रहेगा चिन्ह, अगर माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, मगर चिन्ह किसका रहता है? चिन्ह किसका रहता है? माइनस का कितना हो जाएगा? 3 बटे 30, बराबर में कितना हो जाएगा? 1 बटे 3 एकन 3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एक यानी इसको पलट दे इधर ही, वी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का, वी बराबर माइनस का। आ गया आंसर सभी का? हाँ। किसी को दिक्कत नहीं। कितना आंसर आएगा? माइनस का। दर्पण का फार्मूला बोलिए सभी लोग, लड़की बोलेंगे दर्पण 1/f = 1/u + 1/ ओए यू भी लगा रहे। अब लड़कियां बोलेंगी, देखो इसको याद करने का एक और तरीका, अब सभी लोग यानी कि ऐसे नहीं याद होगा, देखो U V, अब बताओ ये आप लोग गिनती पढ़ रहे हो, ये कितना होता है? 21 होता है, ये कितना होता है? 22। अब यार 21 से या 22 माइनस कर तुमको अच्छा लगेगा बताओ, 21 से अगर हम 22 माइनस कराएंगे या 22 से 21 माइनस कराएंगे, कौन सा आपको अच्छा लगेगा? 22 से। तो याद रखो 22 माइनस 21 यानी कि V माइनस U। तुमको इतने तरीके बता दिया याद करने के लिए, कोई भी तरीका याद कर लेना, ठीक है। लेंस के लिए फार्मूला 1/f = लड़की को खड़ा करें, खड़ा करके पूछे, एक नहीं पूछेंगे खड़ा करके भी बताइए। उत्तल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण लेंस बोल दिया एकदम अंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे को कि बोल रहा है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, सभी को समझ में आया? लेंस और इसमें डिफरेंस पता चल गया, लेंस और दर्पण में, दर्पण यानी कि 1/f = 1/v + 1/u, लेंस क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u, उधर कुछ भी कर लेना, यू भी अदल बदल लेना, इधर नहीं अदल बदल करना, आंसर लबड़ा जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।